हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्प्रिन। तो सिटी का जो एडमिशन होने वाला है बीएड का 2023-25 सेशन का, और अभी जो काउंसलिंग चल रहा है दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि कितने सारे कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी ने लिस्ट जारी किया है। तो ये जो लिस्ट है वो JCACB झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को दिया हुआ है रांची यूनिवर्सिटी के ने, और उन्होंने बताया है कि इतने सारे कॉलेज हमारे अंतर्गत हैं जो कि बीएड कॉलेज जिसका एफिलिएशन है। इनमें से एक कॉलेज ऐसा भी है जिसका एफिलिएशन नहीं है, तो किसी से संयोग से आप वहां पर एडमिशन अभी ना लें, नहीं तो आपका भविष्य खतरे में आ सकता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। फर्स्ट काउंसलिंग जैसा कि आप जानते हैं कि कम्प्लीट हो चुका है, और सेकेंड काउंसलिंग में आने से पहले आप इस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन सा कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है और उसमें से कौन सा अच्छे कॉलेज में से एक है। तो जहाँ तक मेरा भरोसा है आपको अच्छा से अच्छा बताऊं, और पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो रांची यूनिवर्सिटी का जो सबसे पहला कॉलेज है, देखिए यहाँ पर लिखा है रांची यूनिवर्सिटी रांची लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट कॉलेज अंडर द रांची यूनिवर्सिटी। इस तरह से सारे यूनिवर्सिटी का JCACB ने लिस्ट मांगा था, तो सारे यूनिवर्सिटी ने अपने अपने कॉलेज की लिस्ट दिए हैं। तो इसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड बीएड कॉलेज का। तो सबसे पहला है रांची वीमेंस कॉलेज रांची, अच्छे कॉलेज में से एक है। अगर जो लड़की है जो इस कॉलेज में जिसका अभी रैंक अच्छा आया है और वो लेना चाहती है तो ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी फीस जो है वो 1.5 लाख के आसपास है, इसमें फीस का कोई दिक्कत नहीं है, यानी कुल मिला के फीस जो है वो कम नहीं है। सब प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग ही इसका फीस है, ठीक है। फिर आता है KU कॉलेज गुमला। तो KU कॉलेज गुमला भी प्राइवेट है, इसका भी एफिलिएशन है, इसका भी एफिलिएशन है। डोरंडा कॉलेज डोरंडा रांची, यानी डोरंडा कॉलेज रांची, ये भी बीएड कॉलेज, बहुत अच्छा बीएड कॉलेज है, और इसमें भी फीस उसी तरह से है, सेमी गवर्नमेंट इसे कहा जाता है। तो नाम का सेमी गवर्नमेंट है, मतलब कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट तो है डोरंडा कॉलेज, लेकिन पैसा उतना ही लेगा। अगर आप बीएड का फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो मैंने इसका वीडियो डाल रखा है फीस स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ चार ही बीएड कॉलेज है, एक गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कांके रांची, जो कि फोर्थ नंबर में आपको दिखा रहा होगा वहाँ यहाँ पे, ठीक है, कि गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कांके रांची, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप फीस की देखें तो पहला साल 10,000 लगता है दोस्तों, और दूसरे साल इसमें 6,500 से 7,000 के आसपास लगता है, मतलब पूरे 2 साल में आपको 17,000 से 18,000 में कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद यहाँ से कंप्लीट करी है अपनी पढ़ाई। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, और नीचे के वीडियो में जाके देखें, मुझे आप देख पाएंगे, और मैंने गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज डाल रखे हैं, ठीक है, जिससे आपको हेल्प होने में मदद मिलेगा, यानी हेल्प होगा। क्वेश्चन, तो आप आते हैं सीरियल नंबर 5 में, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बूटी मोड रांची गर्ल्स के लिए, यानी जो फुल्ली गर्ल्स है उसके लिए, और जो दो कॉलेज बचे वो है देवघर में गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज देवघर, ठीक है, जो कि पूरी तरह से कोएड है, यानी लड़का लड़की दोनों हैं, और गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, जो कि रांची यूनिवर्सिटी, क्या बोलते हैं, हजारीबाग यूनिवर्सिटी बना हुआ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चार ही कॉलेज फुल्ली गवर्नमेंट है, जिसमें आपको 20,000 के अंतर्गत, 20,000 के अंडर आपका जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा बीएड, ठीक है। लेकिन बाद बाकी जितने सारे कॉलेज है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सब में आपको 1.5 लाख के आसपास ही लगेंगे दोस्तों। पहले पहले आपको कम लगेगा देखने में, लेकिन धीरे धीरे आपको 1.5 लाख लग जाएगा। जिन्होंने भी करा है आप उनसे पूछ लीजिए, वो यही बोलेंगे, ठीक है। मेरे दोस्त काफ़ी हैं तो हमने जेन्युइन रिव्यू लिया है। अब आते हैं 6 नंबर पर, तो है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, इसका भी एफिलिएशन है। 7 नंबर पर आते हैं तो मनरखन महतो बीएड कॉलेज नोरी विकास रांची, तो ये सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। फिर उर्सुलाइन वुमेन्स टीचर ट्रेनिंग कॉलेज रांची, ठीक है, फिर ये भी ठीक ठाक कॉलेज है। बैथेसडा वुमेन्स टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, इसका नाम हमने सुना है, बहुत सारे गर्ल्स इसमें पढ़ती है, और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जब मैं POT के लिए गया था, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, उसमें बहुत सारे गर्ल्स यहाँ से आए थे। गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची से हम लोग गए थे और बैथेसडा से उस स्कूल में आए थे, तो उन्होंने रिव्यू दिया था कि काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
रांची। फिर आता है समन शहीद शेख भिखारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन पोखरिया कांके रांची, ये भी काफ़ी अच्छा है, शहीद शेख भिखारी, एक्स्ट्रा चार्जेज ये नहीं करते। फिर आता है भारतीय बीएड कॉलेज रांची, इसकी जानकारी मुझे उतनी अच्छे से नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। और जेडी नेशनल बीएड कॉलेज टाटी सिल्वे रांची। फिर आते हैं नीचे एपीजे अब्दुल एपीजे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुल क्या लिखा है कुडलुम पिस्का मोड़ पिस्का नगरी रांची। फिर 15 नंबर आते हैं, तो 15 नंबर में है दोस्तों श्री राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नगरी रांची। फिर आता है एमआरडी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और मांझी। तो ये जो श्री राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि अभी ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पिस्का नगरी यानी पिस्का मोड़ तरफ है, ठीक है। आगे चलते हैं तो उसी के आसपास है। अब फिर आता है पटेल बीएड कॉलेज लोधमा कारा। फिर आता है जसपुरिया बीएड कॉलेज बिरसा अंगारा, ठीक है। उसके बाद आता है शाश्वत बीएड कॉलेज बूटी मोड़ रांची। फिर आरटीसी बीएड कॉलेज बूटी मोड़ रांची, आरटीसी में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर एडमिशन आँख बंद करके ले सकते हैं। साइन अब्दुल रज्जाक कॉलेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन रिसर्च इब्रा रांची, ये भी अच्छे कॉलेज में से एक है, साइन अब्दुल रजक, ठीक है। और एफिलिएशन की बात करें तो सबका एफिलिएशन है, बस इसको छोड़कर अभी आएंगे इसके बारे में, उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज इब्रा रांची, और फिर मदर जेरामनी बीएड कॉलेज रांची, समर्पण दीप बीएड कॉलेज उषा माथू रांची या रातू रांची, फिर संगमित्रा बीएड कॉलेज रांची। तो समर्पण दीप भी काफ़ी अच्छा है, मेरा एक दोस्त इसमें पढ़ता है और उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं करते और समय समय पर सब कुछ हो जाता है। फिर रहते हैं अभिराम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लोहरदगा, ये भी ठीक है, लोहरदगा के रहने वाले लोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आते हैं एनएन घोष बीएड कॉलेज कांके रांची, तो इसका जो है 27 नंबर में कॉलेज, इसका एफिलिएशन पेंडिंग है दोस्तों, ठीक है, एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने इसका एफिलिएशन अभी होल्ड करके रखा है, क्योंकि कुछ ऐसा कंडीशंस था जो ये फुलफिल नहीं कर पाए, तो जिसके कारण से एफिलिएशन इसको नहीं मिल पाया। तो इस कॉलेज में अभी एडमिशन ना ले, एफिलिएशन कब मिलेगा नहीं मिलेगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, तो जब भी न्यूज आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो इस एनएन घोष बीएड कॉलेज में आप एडमिशन ना ले, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं कैम्ब्रिज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अंगारा रांची, ये भी बेटर है, और संतोष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज तुपुदाना रांची। तो इतने सारे, ये भी संतोष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के रांची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके 29 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज उन्होंने लिस्ट दिया है, आप किसी भी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है, अपना काउंसलिंग करा सकते हैं और अपने रैंक के अकॉर्डिंग। अगर गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची में हो रहा है तब तो अति उत्तम, इससे बेटर और क्या हो सकता है। आपको हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा मिलेगा बॉयज़ वाला में, गर्ल्स वाला में थोड़ा हॉस्टल ख़राब है, बाहर रहना पड़ता है, ठीक है, और सब कुछ अच्छा मिलेगा और साथ ही आपको कम पैसा भी लगेगा, 20,000 में कंप्लीट हो जाएगा, स्कॉलरशिप में आपको 20,000 करके 40,000 दो साल में मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं, हम आगे देखने वाले हैं और भी बहुत सारे वीडियो, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बीएड की सही जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर बेल आइकन का बटन दबाएं। बाय बाय, टेक केयर।